भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले जाने वाली घरेलू श्रृंखला का आगाज 25 फरवरी से किया जाएगा, जिसकी शुरुआत टेस्ट सीरीज के साथ होगी। इस सीरीज में भारत को मेहमान टीम श्रीलंका के साथ दो टेस्ट मैच खेलने होंगे। ये सीरीज वेस्टइंडीज के साथ होने वाली श्रृंखला के तुरंत बाद खेली जाएगी। वेस्टइंडीज के साथ सीरीज का अंत 20 फरवरी को अंतिम T20 के साथ होगा। पहला टेस्ट जहां मोहाली में खेला जाएगा, तो वहीं अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए जगह चुनी गई है, जिसमें विराट कोहली का गढ़ बेंगलोर का नाम सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का एक मुकाबला बेंगलोर में खेला जाएगा। इतना ही नहीं, ये मुकाबला पिंक बॉल से खेला जाएगा और सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच होगा, क्योंकि सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाना है। ये कदम सौरव गांगुली ने इसलिए उठाया है क्योंकि पिछले कई सालों से विराट कोहली न सिर्फ RCB की कप्तानी करते आ रहे थे, बल्कि उनकी टीम का प्रमुख हिस्सा भी रहे हैं। इसलिए बेंगलोर के फैंस कोहली को उनके घरेलू मैदान में खेलते देखने के लिए काफी उत्साहित होंगे। इसके अलावा विराट कोहली अपने 100 टेस्ट मैच भी पूरे करेंगे जब वे मोहाली टेस्ट मैच में खेलेंगे। दो टेस्ट मैच के अलावा भारत श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 13 मार्च से होगी। हालांकि श्रीलंका बोर्ड ने BCCI से दरख्वास्त की थी कि वे पहले T20 श्रृंखला का आयोजन करें, मगर BCCI ने खुलकर अभी इस विषय में बात नहीं की है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।